तो नमस्कार भाला, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या टाइम ट्रैवलिंग करना पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो टेक्निकली कहा जाए तो अभी तक के जो थ्योरी है उसके बेस पे अगर कहा जाए तो यस, यू कैन ट्रैवल इन टाइम इन फ्यूचर। और ऑलरेडी मतलब अभी तक थ्योरी के हिसाब से यही है कि मतलब पॉसिबल है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कैसे। तो हम ऑलरेडी एक तो टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 1 आवर पर आवर, मतलब 1 घंटे पर घंटे के हिसाब से अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं। द सवाल है, ये क्वेश्चन इज कि क्या हम उससे तेज से ट्रैवल कर सकते हैं या उससे स्लोअर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर स्लोअर ट्रैवल करेंगे तो मेरा एज उतना ज़्यादा बहुत लंबे समय तक ज़िंदा रह पाएंगे, और ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे या फ्यूचर में चले जाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है, तो आइए हम जानते हैं इसी के बारे में इस वीडियो में। तो एक ऑस्ट्रोनॉट थे जो टाइम ट्रैवलिंग किए, वो भी 0.02 सेकेंड में, सेकेंड से वो अपने फ्यूचर में गए। 0.02 सेकेंड के लिए अपने फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में गए वो उस उतना सेकेंड्स के लिए। ठीक है, तो एक साइन जो क्या बोलते हैं, कॉस्मोनॉट बोलते हैं, कॉस्मोनॉट जो भी, ऑस्ट्रोनॉट कॉस्मोनॉट पता नहीं क्या होता है, वो रसिया के थे, जिनका नाम था सर्जियाई क्रीले, क्या नाम था ये, क्या लिखा हुआ है, क्रीलेलेव, KRILALEV, जो कि टाइम ट्रैवलिंग किए थे अपने ओन फ्यूचर में 0.02 सेकेंड्स के लिए। और क्योंकि वो स्पेंड किए थे 803 दिन 9 घंटा 39 मिनट ऑर्बिटिंग द अर्थ, मतलब वो अर्थ को चक्कर लगाते लगाते 803 दिन 9 घंटा 39 मिनट बिताए थे, और ट्रैवलिंग और ट्रैवल किए थे 17,500 माइल्स पर आवर, उतने स्पीड से वो ट्रैवल किए थे अर्थ के चारों तरफ। उतना ज़्यादा स्पीड से जब आप ट्रैवल कीजिएगा अर्थ के चारों तरफ तो एक एक इफेक्ट जनरेट होता है, इसका नाम होता है टाइम डायलेशन। इसका थ्योरी दिए थे अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। अरे ये बहुत ही एडवांस क्या कहते हैं पढ़ाई है, मतलब आपको इसके लिए साइंस में घुसना पड़ेगा। इसके लिए होता ये कि स्पेस टाइम जो होता है ना, आपको सीधे सीधे कैसे समझाए, कैसे सीधे सीधे समझा सकते हैं, बेसिकली अच्छा देख लेते हैं। तो उनका थ्योरी था कि जब आप बहुत तेज़ी से चलते हैं जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट से, तो समय जो है सो पीछे छूटने लगता है। ठीक है, समय पीछे छूटने लगता है, तो आप जो है सो क्या कहते हैं, टाइम क्या हो रहा, 8:30 हो रहा है, टाइम जो है सो पीछे छूटने लगता है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, दैट्स द रीज़न, एक मिनट। हाँ, तो यही है कि बेसिकली जब आप बहुत तेज़ी से जाते हैं तो आपका टाइम जो है सो स्लोली चलने लगता है। ठीक है, तो यही बात है। तो इससे इसका एग्जांपल एक देखा जा सकता है कि जब जीपीएस का सेटेलाइट जो होता है उसका टाइमिंग जो होता है वो बेसिकली हमारे जो अर्थ पे टाइमिंग है उससे 7 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड जो है सो स्लो चलता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि एक आप 10 साल के बच्चे हैं। ठीक है, जिसको अर्थ पे छोड़ दिया गया है रॉकेट, एक मिनट, तो आप 10 साल के बच्चे, आपको जो है सो एक रॉकेट से छोड़ दिया गया, चला दिया गया, जिस रॉकेट का स्पीड जो है 99.95% जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं है लेकिन मान लीजिए ऐसा है, तो आप 5 साल बाद जो है उसी एज में होके लौटेंगे अगर आप उस स्पीड से जाते हैं। तो कहने का मतलब अगर हम उतना स्पीड से चलने में सक्षम होगा तो बूढ़े बहुत धीरे धीरे होंगे। समझ गया, सिंपल सा कहना था। और आपको पता चलेगा कि आपके जो है सो क्लासमेट जो है वो 60 ईयर के हो गए हैं उसी टाइम में। अगर आप जब वापस आइएगा तो आपने क्लासमेट्स को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सब जो है 60 साल का हो चुका है, क्योंकि टाइम जो है सो उस समय आप जब स्पीड चलेगा तो स्लोली चलेगा आपके लिए, और आपके दोस्त सबके लिए वैसे ही चलेगा जैसा वो चल रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो 5 साल स्पेस में रहना जो है सो 50 साल अर्थ पे रहने के बराबर है। और इसी तरीके से आप स्पेस में रह के जो है सो 5 साल तक आप 45 साल
फ्यूचर में आगे जा सकते हैं, समझ गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक और थ्योरी था जनरल रिलेटिविटी, जिसमें कहा गया था कि ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटेशनल फील्ड में है वो भी, उसके लिए भी टाइम स्लो चलता है, ठीक है। तो एक ग्रेविटेशनल फील्ड एक चीज का बहुत ज़्यादा होता है वो है ब्लैक होल्स का। तो साइंटिस्ट फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं कैसे ब्लैक होल के थ्रू जो है वो फ्यूचर में ट्रैवल कर सके, ठीक है। और कुछ लोग मानते हैं कि वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं वॉर्म होल्स के थ्रू। अब वॉर्म होल्स के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको धड़िया धसान वीडियो मिल जाएगा, उस पर बहुत सारा वीडियो है। तो यही था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।